जब कोई दुख की बात करना हो, कितने दुख की बात है, ठीक है, कि फलावा का पत्नी छोड़ के भाग गई, जैसे आपको सुनने को मिल जाए तो क्या कहेगा, हाउ सैड, मतलब थोड़ा सा वो चेहरे पे आना चाहिए, ऐसे नहीं चेहरे पे आना चाहिए हनी, ऐसा नहीं जैसे हनी करती है हाउ सैड का, हाउ सैड, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हाउ सैड करने का मतलब वो दिखना चाहिए अंदर से, ये नहीं कि हाउ सैड, यानी हाउ सैड। अब इसमें भी आप ये इमोशन मत लाना, हाउ सैड, ये आपका और खुशी को दर्शा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या दर्शाना है, ओहो हाउ सैड इट, हाउ सैड, थोड़ा दुख दिखना चाहिए, ठीक है पूजा। अब पूजा अगर दर्शाएगी तो कहेंगे हाउ सैड, तो गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ है, वो झलकना चाहिए हाउ सैड, नहीं हाउ सैड। कभी कभी कहते हैं ना, ओह बड़े दुख की बात है, फलनावा की पत्नी बहुत अच्छी थी बट कैसे फलनावी के साथ भाग गई, अरे भाग गई वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दुख आप दर्शाइए ना, बेचारा रो रहा है। आगे की क्या कहानी है, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, यानी उसकी इतनी हिम्मत, यानी हाउ डेयर ही, यानी कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे थप्पड़ मारा या उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, हाउ डेयर ही, he slapped you, यानी कि उसकी हिम्मत, इतनी हिम्मत कि तुम्हें थप्पड़ मारा, यानी कि हाउ डेयर ही, अभी प्राण है मॉडल में साहस, वही है ना डेयर, यानी अगर हिम्मत हो जाए तो हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। कभी कभी घर पे होता है ना, अगर छोटा बच्चा रोते जाता है घर पे, रोते हुए जाएगा कहेगा अगर ऐसा कुछ हो तो आप क्या करोगे, तो उस समय पूछते ना कि क्या हुआ, तो उस समय वो रोते हुए बोलता है हम लपल लगा के मैं मान लिया, अब ऐसा कुछ हो तो आप कुछ मत करो, उसको मैं कहते ना अरे फलना लगा इतना हिम्मत, चल तो हम अभी देखते हैं, तो वहाँ पे क्या कहता है, हाउ डेयर ही, एकदम गुस्सा से हाउ डेयर ही। अब मान लीजिए कि किसी की दोस्त की कुछ ऐसा हो जाए तो आप उस समय कहते ना कि तुम्हारा दोस्त कहेगा ना कि तू मार दिया मेरे को, तो कहते ना हाउ डेयर ही बीट यू, कम ऑन लेट्स गो आई ऑल्सो टेक द रिवेंज, वहाँ पे बोलता है कि चलो मैं उससे बदला लेता हूँ, तो वहाँ पे एकदम जोश दिखाता है, तो आपको क्या दिखाना है, हाउ डेयर ही, क्लियर हो बस।